अच्छा लगा। मैं 2 साल पहले भी आई थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं बहुत काफी फेयर होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इनका शो। यहाँ पे 2 साल से आ रहे हो? जी हाँ, ये तीसरा साल है। भिवंडी के लोग काफी अच्छे, वही मैं बताना चाहती हूँ कि काफी जगह पे शोज होते हैं लेकिन जो फेयर डिसीजन होता है, जो पार्शलिटी नहीं होती है वो इस शो में होती है, पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होती है। भिवंडी के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? भिवंडी के लोग बड़े प्यारे हैं, बड़े ही लविंग हैं, हमेशा प्यार देते हैं। आपने बताया आप सेलिब्रिटी भी हैं। जी हाँ जी। मैं काफी सीरियल्स में आ चुकी हूँ, मैं स्टार प्लस पे ये है चाहता मैं आ चुकी हूँ, मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, तो काफी सारे सीरियल्स किए स्टार प्लस कलर्स का। अभी 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 भी मैं शूटिंग से ही डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ। मैं बस चाहूंगी कि जो इनको इतना अच्छा मौका मिला है उसका फायदा उठाए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पार्टिसिपेट करें ऐसे शो में, ताकि अच्छा जो नया सच्चा टैलेंट है वो सामने आ सके दुनिया के। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा जी हाँ, बहुत काफी अच्छा जी 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 जी। तो उन लोगों के लिए आप उनको एक कुछ टिप वगैरह? कुछ टिप्स कुछ नहीं है, टिप्स यही है कि निराश नहीं होना है अगर हारे तो, क्योंकि मेहनत करते रहेंगे तो आज इस साल नहीं जीते तो अगले साल जीतेंगे। इस प्रोग्राम में जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सबसे पहले मैं उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप इस कॉम्पिटिशन में विनर बने। और ये संगीत और अपने अंदर का जो टैलेंट है, जो कला है, इसको जिंदा रखने की ज़रूरत है। आजकल हम टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब के माध्यमों से अपने अंदर के जो टैलेंट है, जो भी कला गुण हैं, उनको भूल रहे हैं और ऐसे लोगों को उनका टैलेंट दिखाने का मौका देने का काम यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर जो टीम है, इन्होंने किया है। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर टीम का खास करके शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हौसला देने के लिए हो, इसके लिए लोग यहाँ पर आकर अपने जो अपने में है टैलेंट जो वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। खास करके मैं हमारे जो पुलिस वाले हैं शेख साहब, अभी भी उनमें भी गाने का हौसला है। हाँ, गाना गाया आज भी, और कोई भी फील्ड में रहने दो, लेकिन अगर हम जो हमें अच्छा लगता है, जो चीज़ जो में हम लोग को नॉलेज है या वो चीज़ से हम दूसरों को आनंद दे सकते हैं, तो ऐसे चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनका हौसला बढ़ाना भी ज़रूरी है। और ऐसा ये प्रोग्राम हर साल यहाँ पर होता है, बहुत से बच्चे, वैसे तो मैं हर साल MLA सिंगिंग अवार्ड का आयोजन करता हूँ, पिछले कई 10 सालों से शायद शुरू है, और उसमें बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ, स्कूल के बच्चे रहेंगे, स्कूल के बाहर जो हमारे नौजवान हैं वो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और तब लगता है कि जो हम टीवी पे रियलिटी शो जो देखते हैं, उनमें जाने वाले बच्चे जो रहते हैं वो यहीं से जाते हैं, ऐसे ही बच्चे आगे बढ़कर वो टैलेंट दिखा सकते हैं और अपने शहर का, अपने एरिया का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जो टैलेंट यहाँ पर आप दिखाने वाले हो, उसमें जाया हौसला आपका बढ़ाने के लिए जो चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ अगर ऑर्गेनाइज टीम उनको बोलेगी तो निश्चित रूप से उनको हम वहाँ पर जो हमसे हो सकती है वो मदद वहाँ पर करेंगे। इतना ही आज के दौर आपको वचन देता हूँ, मुझे यहाँ पर बुला के जो आपने सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमदार तो पिछले 10 साल था ही मैं, लेकिन आज भी जो लोग मेरे साथ हैं, जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखा है, उनका आज भी मैं आमदार हूँ, भविष्य में भी रहूँगा और उनके लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी
जो करना चाहिए भिवंडी शहर के विकास के लिए, भिवंडी शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज करनी पड़े वो करने की मेरी तैयारी रहेगी और उसमें मेरा पूरी तरह से सहयोग रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाड़ी हाल में जो शगुन हाल था, जो अब मैरिज हाल है, वहाँ पर SP सिंगिंग एकेडमी और कालेर की दूसरी एकेडमी है आर्यन एकेडमी, दोनों सोसाइटियों के बैनर तले ये सीज़न 3 यानी तीसरी बार हुआ है। और तीसरी बार में आज के जो हमारे मुख्य मेहमान थे छोटू दादा, जो मालेगांव यानी देखा जाए तो पूरी दुनिया में YouTube पर फेमस है छोटू दादा, और उनके डायरेक्टर अकरम, और उनके साथ में उनके 2 और 3 मेहमान थे। उसके अलावा मिस आइकोन भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल थी। छोटे बच्चे और कुछ बड़े बच्चों को भी आज यहाँ मौका मिला। और ख़ास बात यह रही कि दूसरा सीज़न 2 जो था उसमें से कुछ बच्चे भिवंडी से निकलकर मुंबई की तरफ भी पहुँचे, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और आज का जो प्रोग्राम है इससे भी अच्छा रिस्पॉन्स भिवंडी शहर के लोगों को मिलेगा, मिला है और मिलता रहेगा। हाँ, आज SP सिंगिंग एकेडमी और आर्यन एकेडमी ने, इन दोनों सोसाइटियों ने मिलकर मुझे रविश कुमार अवार्ड 2020 दिया है पत्रकारिता पर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत मुश्किल होता है प्रोग्राम करना, आज का हमारा 3रा साल है सीज़न 3, और हमारी जो 2-3 महीने की जो मेहनत है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में, सफलता करने में मेहनत रंग लाई है हमारी। हमारे साथ में मेरा एक बच्चा वसीम मिर्ज़ा, फ़करे आलम खान साहब, जो रात को 4-4 बजे तक मेहनत करके इस प्रोग्राम को सक्सेस किया है। मैं तो हूँ ही साथ में, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। जैसे कि मैं प्रेसिडेंट तो हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी बॉडी खान फ़करे आलम साहब को मैं इस SP सिंगिंग एकेडमी का और वॉइस ऑफ भिवंडी का एडवाइज़र बनाया है, और मेरे साथ नईम सर हैं, और सेक्रेटरी जो हैं वसीम मिर्ज़ा साहब, और जो आर्यन एकेडमी की जो प्रेसिडेंट हैं संगीता मैडम साहब, संगीता मैडम हैं, ये सब लोग का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आमदार साहब भी इसमें शामिल थे जिसको चीफ गेस्ट हम बनाए थे, और छोटू दादा को लाने में वसीम मिर्ज़ा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत कड़ी मेहनत के साथ। और खान साहब खुद मालेगांव जाके उनका इंटरव्यू वगैरह लेके, उनसे बातचीत करके, उनका दूसरा जो शेड्यूल को त्याग के वो यहाँ आए हमारे लिए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, और बाकी हमारी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। और प्रोग्राम सक्सेस करने में हमारा पूरी टीम का हाथ है। बस यही था कि अच्छे टैलेंट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया उनके लिए। अनन्या, सई जोशी, ये सारे गामा पा और बहुत सारे अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह आज का जो फ्रेश टैलेंट है हम उसको भी 4 चांद लगाना चाहते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे जाए और तरक्की करे। हमने बस एक पुश किया है, आगे उनका करियर उनकी राह देख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त करियर है उनके लिए। एंड हमसे जितना कुछ बना हमने किया है, बस इसी तरह सारे भिवंडी के लोगों को हम यही चाहते हैं कि हम मिलजुल कर ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और एकजुट होकर भिवंडी का नाम रोशन करें, और यहाँ का टैलेंट बॉम्बे, महाराष्ट्र और पूरी इंडिया में फेमस हो जाए। थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर हमारा जो भारतवर्ष है ये गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा है, तो भिवंडी भी जो है यहाँ के सभी धर्म के लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और ये हमारा 3रा साल है, और अगले साल और ज़्यादा अच्छा हम प्रोग्राम देंगे, और बड़े दूसरे जो बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी है उनको भी बुलाने का हम प्रयास करेंगे। और थोड़ी सी दिक्कत आई क्योंकि ये बच्चों के बहुत फेवरेट है छोटू दादा, तो उनको हैंडल करना, डिसिप्लिन में मेंटेन करना, वो फिर मुश्किल से हम लोग आधा या पौन घंटा उनको स्टेज पर रख सके, उसके बाद जो है वो चले गए यहाँ से। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रोग्राम हमारा कामयाब रहा, ऑडियंस भी अच्छी रही है, और मैं चाहता हूँ कि अगले साल भी भिवंडी के जो रसिक हैं वो आए। मेरा नाम मिर्ज़ा वसीम और मैं SP सिंगिंग एकेडमी का सेक्रेटरी। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी आज, मतलब छोटू दादा और अकरम खान और भक्ति शेट्टी, महाराष्ट्र आइकॉन, सारे लोग आए थे प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम में उनके आने के बाद जो क्राउड और जो मतलब अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, शायद ये बहुत ज़्यादा उनके प्रति लोगों का लगाव। तो मैं यही कहूँगा कि भिवंडी वालों से मेरी ये मतलब एक ऐसी गुजारिश है कि अपने शहर में कोई भी बाहर से अगर मेहमान आए, भले ही वो कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी ले, हमको अपने डिसिप्लिन में रह के काम करना है और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जिसकी वजह से हमारा
हमारी टीम का, हमारे शहर का नाम खराब हो, और इंशाल्लाह इससे और भी बड़े लोगों को हम लाने की भिवंडी में कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।